हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर वन प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशन ऐप पर, जहां हम सिर्फ पढ़ाते नहीं सिखाते भी हैं। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स भौतिक विज्ञान, जिसका हम चैप्टर नंबर एक को हम पढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर एक क्या है हमारा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसमें हम मोटे मोटे आवेश के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आवेश क्या है, आवेश की उत्पत्ति कैसी होती है, आवेश के मात्रक क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे आवेश के गुणधर्म। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जहां से एक क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है, चाहे वो गुणधर्म से कैसे एक पॉइंट निकाल के एक लाइन निकाल ली जाए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा आवेशों के गुणधर्म। यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ये रहा पॉइंट, आवेशों के गुणधर्म। चलो इसको डिस्कस करने के लिए अपन सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अपनी बुक में जो आवेश के गुणधर्म दिए हुए हैं, मोटे तौर पर 4 ही गुणधर्म दिए हुए, लेकिन मैं आज उन सभी गुणधर्मों को डिस्कस करूँगा जो हमारी बुक के अलावा भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो या छोटे मोटे कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो। ठीक है, बोर्ड में तो अपने को हेल्प मिलेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि सर बोर्ड के अलावा भी ऐसे क्वेश्चन जो चार्ज आवेश से संबंधित होते हैं वो भी यहाँ पे पूरे एक्सप्लेन किए जाए। चलो हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं, और पहला जो गुणधर्म है, पहले हम चारों गुणधर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वो चार गुणधर्म कौन कौन से हैं। देखो बच्चों, वो चार गुणधर्म है आवेशों की योग्यता, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण, और एक है हमारे पास में आवेश की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता या आवेश की निश्चरता बोल दो आप। ठीक है, ये देखो क्लियर सबको, यहां तक क्या है, चार गुणधर्म हमारे पास में, आवेशों की योग्यता, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण और आवेशों की निश्चरता। बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं, एक बार आप पढ़ के देखो, आपको खुद को पता लगेगा सर आज के बाद में हम इन गुणधर्मों को भी भूलेंगे नहीं। क्लियर है यहां तक, उसके अलावा जितने अन्य गुणधर्म हैं उनको भी हम यहां डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले मैं आवेशों की योग्यता को ही यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं कि आवेशों की योग्यता से यहां क्या तात्पर्य। देखो बच्चों, योग्यता का मतलब जोड़ना, योग्यता का मतलब क्या होता है, जोड़ना। और भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों को जोड़ने के दो तरीके होते हैं, एक होते हैं अदिश राशियां, एक होती है सदिश राशियां। अदिश राशियों को जब हम जोड़ते हैं तो जैसा बीजगणित में हम जोड़ते हैं ना, 2 + 3 सर 5 होते हैं, 2 - 3 सर -1 होता है। जबकि हम जब सदिशों को जोड़ते हैं तो वहां पर दिशा का ज्ञान रखा जाता है। जब तक आपको दिशा का ज्ञान नहीं है, वहां पे दिशा का ध्यान नहीं रखा आपने, तो आपने सदिशों का योगफल गलत कर दिया। 11th क्लास में देखा होगा, 11th का कोर्स भी हम जल्दी लेके आने वाले हैं। तो यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं, आवेश की बात कर रहा हूं, आवेश एक अदिश राशि है बच्चों, ध्यान रखना। आवेश पदार्थ से संबंध गुण है, और सर जब भी कोई हम गुण की बात करते हैं तो गुण हमेशा एक अदिश राशि होती है। तो इसका मतलब सर यहां पे आवेशों को आप किस तरह जोड़ने वाले हो, तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि हम आवेशों को किस प्रकार जोड़ेंगे, बीज गणितीय रूप से जोड़ेंगे, अदिश योगफल करेंगे। तो ये वाला पॉइंट यही कह रहा है कि कोई भी आपके पास में निकाय है और उस निकाय में बहुत सारे बिंदु आवेश पड़े हैं, तो टोटल आवेश कितना आएगा, उस निकाय का कुल आवेश, परिणामी आवेश कितना आएगा, वो हम जोड़ेंगे उन सभी अलग अलग आवेशों को बिना दिशा का ध्यान रखे। कोई दिशा का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है। ये भी एक गुणधर्म आवेश का, किसर आवेश एक अदिश राशि है। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कोई निकाय बना लेता हूँ, ऐसे अपने हिसाब से मैंने एक निकाय बना लिया। मैंने कहा यहाँ एक आवेश पड़ा है प्लस का 2 μC, एक आवेश मेरे पास में यहाँ पड़ा है Q2 = -5 μC, और बच्चों एक और पड़ा है मेरे पास में Q3 = +1 μC। माइक्रोकूलम अपन पहले वाले स्लाइड के अंदर, पहले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रो क्या है। ठीक है, तो बच्चों अब बताओ, देखिए इस निकाय का कुल आवेश, देखो कुल आवेश के लिए हम करेंगे समेशन का यूज। ये समेशन क्यों काम में लिया, देखो बच्चों हम जोड़ने के लिए दो तरीके काम में लेते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे पास सतत होती है, सतत का मतलब लगातार, जो कहीं पर ब्रेक ही नहीं हो रही, कहीं टूट ही नहीं रही, उसके लिए जोड़ने के लिए हम काम लेते हैं समाकलन। और ये वाला जो चिन्ह है ना, ये काम में लेते हैं हम विविक्त के लिए। विविक्त का मतलब क्वांटिकृत रूप में, ऐसे अलग अलग भागों में। सर Q1 दिख रहा है आपको, 2 कूलम्ब, 2 है, 2 दिखता है आपको, 2 के बाद में 2.1, 2.3, 2.3, ऐसी कोई वैल्यू है नहीं। 2 के बाद में सर दूसरी वैल्यू क्या है, -5। उसके अलावा कौन सी है सर, 1। सब अलग अलग है, अलग अलग है, तो ये क्या है, विविक्त है। और विविक्त के लिए हम जोड़ने के लिए ये वाला साइन काम में लेते हैं। तो सर कुल आवेश बराबर कितना आ गया, Q1 + Q2
प्लस का क्यू थ्री, जोड़ लो देखो कितना आ रहा है सर, दो माइनस का पाँच और प्लस का एक, प्लस के तो कितने हो गए दो प्लस एक तीन, तीन माइनस पाँच, सर आंसर आ गया माइनस का दो माइक्रो कूलाम। यहाँ पीछे माइक्रो कूलाम तो चल ही रहा है, आपको पता होगा माइक्रो को हमें नहीं छोड़ना, माइक्रो कूलाम। तो बताओ देखिए आवेशों की योजना से क्या तात्पर्य निकाला आपने, सर किसी भी निकाय का जो कुल आवेश है उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगण के योगफल के बराबर होता है, बस हो गया खत्म। तो हम क्या ले सकते हैं, किसी विलगित निकाय का, अभी हम विलगित की बात भी करें, मैं विलगित भी समझा दूंगा कि विलगित क्या होता है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित, उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के, उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के, आवेशों के बीजगणित योगफल के बराबर होता है। बीजगणित की जगह हम क्या ले सकते हैं, अदिश योगफल भी ले सकते हैं ना, बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। सर बिल्कुल सिंपल सी चीज़ बताइए आपने, ये तो हमें भी पता लग गया कि जब हम आवेशों को जोड़ेंगे तो दिशा का कोई ज्ञान या दिशा का कोई ध्यान नहीं रखेंगे। कैसे जोड़ेंगे, सीधा बीजगणित योगफल करेंगे, दो चार पाँच कितने ऐसा जोड़ दो खत्म काम, बस आवेशों की योजना में कुछ लिखना ही नहीं है। अब हम बात करते हैं विलगित का मतलब क्या होता है, विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड, पृथक बिल्कुल अलग है, दूसरा कोई निकाय पड़ा उससे अपने कोई मतलब नहीं है, बाहर आवेश पड़ा उससे कोई मतलब नहीं है, इस निकाय में कितना आवेश है उस पर फोकस करना है। तो इस निकाय को हमने बोल दिया विलगित निकाय, बाहर वाले निकाय का, बाहर वाली चीज का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज को हम बोलते हैं विलगित आइसोलेटेड। चलो ये तो हो गया सर आवेशों की योजना, आवेशों की योजना में इतना ध्यान रखना है कि आवेशों को हम कैसे जोड़ेंगे, बीजगणित योगफल करेंगे, सदिश योगफल नहीं करेंगे। चलो दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम, दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है, दूसरा जो हमारा गुणधर्म है वो है आवेश का क्वांटीकरण। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ध्यान रखना, यह एक इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये गुणधर्मों के अंदर। देखो सबसे पहले बच्चों मैं ना एक बार यहाँ पे क्वांटा का मतलब समझा देता हूँ आपको कि क्वांटा का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना बच्चों, क्वांटा का मतलब होता है मूलभूत इकाई, मूलभूत इकाई या संरचनात्मक इकाई बोल दो आप, किसी भी चीज की कोई भी मूलभूत इकाई, जैसे मैं अपने शरीर की बात करता हूं, अपने शरीर की जो मूलभूत इकाई है ना वो कोशिका है, इसका मतलब अपना शरीर कोशिका से मिलकर बना है, अपना शरीर कोशिकाओं से मिलके बना है। तो वैसे अपने क्या देखा है यहाँ पे सर, मान लो कोई एक वस्तु ये है और कोई एक वस्तु ये है, क्लियर है। अब मैंने कहा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया, इस पर तो आ गया सर आवेश प्लस का, इस पर आ जाएगा सर माइनस का, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। फिर दोबारा से एक और इलेक्ट्रॉन गया सर, इस पर आ गया प्लस, फिर इस पर आ गया सर माइनस, फिर एक और इलेक्ट्रॉन गया सर, इस पर आ गया प्लस, फिर इस पर आ गया माइनस। अरे बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ सर, ये प्लस के अलावा भी कोई और मान आ रहा है कि आप हर बार है ना एक एक इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हो टुकड़े करके भेजो, इलेक्ट्रॉन के कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसका मतलब न्यूनतम आवेश किसके बराबर होगा सर, न्यूनतम आवेश है ना एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर होगा, फिर उसके बाद में दो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, उसके बाद में तीन इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, उसके बाद में चार इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। अरे न्यूनतम तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही है ना, इससे कम आवेश आप ला सकते हो क्या सर, हम नहीं ला सकते। अभी प्रैक्टिकली चल रहा है न्यूनतम आवेश के बारे में कि E बाई थ्री टू E बाई थ्री, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता है जब मैंने आवेश की उत्पत्ति बताई थी तो मैंने कहा था केवल इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता की वजह से ही वस्तु क्या होती है आवेशित होती है। तो यहाँ देखो आप सर, जब एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश के बराबर क्या होगी ऋण आवेशित होगी, और यह एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर क्या होगी धन आवेशित होगी। दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तीन जाएंगे, चार जाएंगे, टुकड़ों में तो नहीं जाएंगे ना, बिल्कुल नहीं जाएंगे सर। तो मुझे एक चीज बताओ, इस वस्तु पे जो टोटल आवेश है E तो न्यूनतम है ही, यहां के क्या लगा दूं सर N लगा दो, और प्लस माइनस तो क्यों लगाएंगे सर, आवेश धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, अगर वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो वह धनावेश हो जाएगी, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो ऋणावेश हो जाएगी।
तो मुझे बताओ ये चीज़ मैंने सही लिखी क्या? सर जो टोटल आवेश है किसी वस्तु पे वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये पूर्ण गुणज क्या है? यहाँ जो एन है ना वो पूर्ण संख्या है, यहाँ जो एन है बच्चों वो क्या है? पूर्ण संख्या है। एक दो तीन चार, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को तो बता रही है सर, कितने इलेक्ट्रॉन गए। मैंने कहा केवल एक इलेक्ट्रॉन गया, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे सर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हम ई लेके चलते मान लो, तो उस वस्तु में कितना आवेश आ गया? सर प्लस का ई। अगर वहां से दो इलेक्ट्रॉन गए तो सर प्लस का टू ई। यहां से तीन इलेक्ट्रॉन गए तो सर तीन इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई, तो तीन का कितना? थ्री ई। तो आपको खुद को पता लगेगा सर यहां पर पूर्ण संख्या आ सकती है, यहां पर दशमलव संख्याएं वगैरह या भिन्नात्मक भिन्न संख्याएं नहीं आ सकती। यहाँ पे परिमेय अपरिमेय संख्या 2/3, 1/3 ऐसी संख्याएं नहीं आएगी, यहाँ केवल पूर्ण संख्या ही आएगी, और वो पूर्ण संख्या इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण की संख्या वो बता रही है। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो यहाँ प्लस लगाएंगे, और कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो यहाँ माइनस लगाएंगे, तो दोनों आवेश आ सकते हैं यहाँ पे। तो सर हमें क्वांटीकरण का मतलब समझ में आ गया, क्वांटा का मतलब क्या? मूलभूत इकाई। अब आवेश का मूलभूत मान क्या है? इकाई तो मैंने एक सेंस में लिया, यहाँ इकाई नहीं पढ़ना अपने को सर, मूलभूत इकाई क्या है? यहाँ अपने पढ़ा है मूलभूत मान, न्यूनतम मान जिसको आप बोल दो सर। अपनी कोशिका जो अपना शरीर है वो न्यूनतम से न्यूनतम संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। तो हमारी बॉडी का क्वांटा क्या हो गया? कोशिका। सिमिलरली आवेश का क्वांटा क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्लियर है? क्वांटा का मतलब होता है मूलभूत इकाई, न्यूनतम मान, संरचनात्मक इकाई जिससे कोई चीज मिलकर बनती है। आवेश अब आपको पता लग गया होगा सर, ऐसे पानी की तरह लगातार नहीं बहेगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, फिर दो इलेक्ट्रॉन के बराबर, फिर तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर, फिर चार इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो सिंपल सा समझ में आ गया कि क्वांटा का मतलब क्या हो गया? मूलभूत इकाई या न्यूनतम मान। किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश सदैव विद्युत आवेश की मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है। देखो विद्युत आवेश की मूल इकाई, और वो मूल इकाई है ना एक इलेक्ट्रॉन के आवेश, ये बच्चों ध्यान रखना, इसी को हम क्वांटा कहते हैं। तो विद्युत आवेश की मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, एक मिनट बच्चों मारकर चल नहीं रहा, पूर्ण गुणज होता है, यह इकाई एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर थे। देखो अब मूल इकाई का मतलब समझ में आ गया, वो सर आपने सही कहा था क्वांटा का मतलब होता है न्यूनतम मान, और वो न्यूनतम मान है ना अपना एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर होता है, और वो याद रखना आपको 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है बच्चों, याद रखना 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है, ऋणात्मक होता है धारणा, और प्रोटोन पे धनात्मक होता है। ये तो है इलेक्ट्रॉन पे, ये ऋणात्मक होता है, इस पे आगे माइनस लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोटोन पे जो आवेश होता है ना वो प्लस में होता है। फिर आगे क्या बोला है, जहां पर एन एक पूर्ण संख्या है और ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ई यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से आवेश के क्वांटीकरण या आवेश की परमाणुता सिद्ध होती है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि आवेश क्वांटीकृत होता है, इसको आप किस सिद्ध करोगे, तो किस नियम से करोगे? सर इस नियम को हम सिद्ध करेंगे मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे तेल की बूंदें विद्युत क्षेत्र में छिड़क दी, और जब बहुत सारी बूंदें विद्युत क्षेत्र में छिड़क दी तो सब पे अलग अलग बल लगा, ये विद्युत क्षेत्र में थोड़ा समझ में आएगा। तो उन्होंने देखा कि इस पर बल इतना लगा, इस पर बल इतना लगा, इस पर बल इतना लगा, उन सब का बल निकाल के उन सब पे उन्होंने आवेश ज्ञात कर लिया। उन्होंने देखा कि सब जब भी आवेश थे उन सभी आवेशों का उन्होंने क्या लिया, महत्तम समापवर्ती मास लिया, और महत्तम समापवर्ती आप जानते हो क्या होता है, क्या होता है बच्चों बताओ? देखिए लेस समय तो हम बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं, और मास समय सब में जो कॉमन वैल्यू आती है, और वो कॉमन वैल्यू ई ही थी। एक पे आवेश ई था, एक पे 1000 ई था, एक पे 2 ई था, एक पे 9 ई था, तो बताओ देखिए न्यूनतम मान कितना था? ई था। तो ये था मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग, उन्होंने बोल दिया कि न्यूनतम आवेश ई होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, और इसे हम आवेश का क्वांटा कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि आवेश का क्वांटा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश को आवेश का क्वांटा कहते हैं, और किसी निकाय पर जो टोटल आवेश होता है वह एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्णांकी गुणज होता है। शॉर्ट में बस डायरेक्ट याद रखो, और आवेश का जो विनिमय है वो सतत रूप में नहीं होता, विविक्त रूप में होता है। किसी भी वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो विविक्त रूप में जाएंगे, 1, 2, 3 ऐसे नहीं कि लो भाई साहब 1.1, 1.2, नहीं। समझ में आ गया होगा इसका मतलब? अगर मैं आपको दे दूं कि आवेश का मान बेटा 2/3 × E है, ये आपको पता है कि ये सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे n का मान सर आपने 2/3 लिख दिया,
इलेक्ट्रॉन 2/3 थोड़े ना हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1, 2, 3 ही हो सकते हैं। तो ये मान पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2/3 एक रेशनल नंबर आ गया आपका, भिन्न आत्म भिन्न संख्या आ गई। लेकिन अभी प्रयोगों द्वारा क्या पता चल रहा है, प्रयोगों द्वारा ऐसे कहा गया है कि दो और आवेश है जिनका पता लगा लिया गया है और उनको हम क्वार्क कहते हैं। दो कणों की और परिकल्पना करी गई है, वो दो कण कौन है, एक का आवेश तो है e/3, एक का है +-2e/3, +-e/3 एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का 1/3, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2/3, और इन कणों को नाम दिया गया है क्वार्क्स। अभी इस पर स्टडी चल रही है, लेकिन इसे आवेश का क्वांटम नहीं माना गया, क्योंकि यह अस्थाई होते हैं, ये स्थाई नहीं रहते, परमानेंट नहीं रहते। अगर चाहे तो सर न्यूनतम आवेश देखो और आ गया, एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश का भी 1/3, एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश का भी 2/3, तो इसका मतलब सर ये तो एक इलेक्ट्रॉन आवेश से भी कम है, तो कम है तो फिर से न्यूनतम मान तो इलेक्ट्रॉन का नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दोनों जो कण है इन पे जो आवेश है वो अस्थाई रहता है, ये परमानेंट नहीं रहते, तो इसका मतलब सर इनको क्वार्क कहा गया। तो आपसे को पूछे क्या एक इलेक्ट्रॉन से भी कम आवेश के कोई कण है क्या, तो उनको बोलेंगे क्वार्क्स, लेकिन उनको क्वांटम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। ठीक है ना, नाम याद रखना, +-e/3 और +-2e/3, इन दो कणों को हम बोलेंगे क्वार्क है। ठीक है ना, दो क्वार्क हो गए, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क हो गया e/3 और अप क्वार्क हो गया, उच्च क्वार्क हो गया 2e/3, जो कि प्लस में माइनस में दोनों में हो सकता है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं सर आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स बता दिए जाए। तो देखो न्यूमेरिकल सिंपल सा, पहला क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन आवेश की क्वांटीकरण पर आधारित प्रश्न। मैंने कहा कि आपको क्या करना है, एक वस्तु को +-1 कूलम से, या तो आप +1 कूलम से आवेश कर दो या -1 कूलम से आवेश कर दो, +-1 कूलम से आवेशित करने के लिए उसमें से स्थानांतरित, उसमें से स्थानांतरित लिखा है, तो इसके हमने उसमें से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो आप क्या कर सकते हो सर, हम यहाँ जब गए हैं तो केवल प्लस ही लगाएंगे, माइनस तो लगा ही नहीं सकते। अगर कोई बोले कि सर इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के उसमें -1 कूलम आ जाए, तो वो दोनों तरफ से क्वेश्चन बनता है। आपसे बोलते कि +1 कूलम आवेश करना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, -1 कूलम से आवेश करना है तो सर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, उन्हीं इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको ज्ञात करनी है। एक वस्तु को +1 कूलम से आवेशित करने के लिए उसमें से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों करो, देखे कैसे करोगे। सर जब भी इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण की बात आती है तो हमेशा हम क्वांटम सिद्धांत को ही काम में लेंगे, क्योंकि जब भी आवेश स्थानांतरित होता है तो हमेशा विविक्त रूप में होता है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो सर उस वस्तु पे कुल आवेश कितना है, उस वस्तु पे सर कुल आवेश q = ne के बराबर है। सभी आपने बताया था किसी भी वस्तु पे जो कुल आवेश होता है ना वो क्वांटीकृत होता है, ये क्वांटीकृत है, ये 10,000, 20,000, 30,000 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होगा एक कूलम, हमें थोड़ा ना पता सर कितने इलेक्ट्रॉन, वो तो हम ज्ञात करने वाले हैं। तो सर यहाँ से आपसे पूछा गया n, यहाँ पे मैंने कहा था पूर्ण संख्या है, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या ही आएगी फिक्स है। तो सर यहाँ से क्या आ गया, q/e। सर q का मान तो आपने बोला 1 कूलम और सर e का मान अभी भी आपने समझाया कितना, 1.6 × 10⁻¹⁹। जब आप इसको भाग दोगे, भाग नहीं देना, तो बच्चों में क्या करता हूँ, देखो 10⁻¹⁹ को ऊपर ले जाता हूँ और 1.6 को ऐसे लिख लेता हूँ, फिर भी भाग नहीं देना, तो देखो बच्चों और क्या करते हैं इसको आगे, सर इसको 10 × 10⁻¹⁹ लिख दो और सर यहाँ पे 1.6 लिख दो। जब आप 10 के अंदर 1.6 का भाग दोगे तो बच्चों ध्यान रखना इसको बोलते हैं 6.25, 6 से 1/4 होता है, याद कर लो 10/1/6, 100/16 याद कर लो, 100/16 होता है ना वो 6 से 1/4% होता है, इसका मतलब 10/1.6 भी तो वही मान आएगा, 100 में चाहे 16 का भाग दो, 10 में चाहे 1.6 का भाग दो, तो 10 में जब आप 1.6 का भाग दोगे तो 6.25 आता है और इधर मल्टीप्लाई में कितना हो गया 10⁻¹⁹, यही हमारे इलेक्ट्रॉन है। तो आपको ये डायरेक्ट याद ही रखना है कि सर किसी भी वस्तु को
एक कूलम्ब से आवेशित करना है तो इतने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करना होगा, इतने इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकालने होंगे, और माइनस एक कूलम्ब से करेंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाने होंगे। ठीक है, अगर माइनस वन कूलम्ब से आवेशित करवाएंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन उनसे ग्रहण करवाने होंगे। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम मिक्स में करेंगे जब हम पूरे चैप्टर्स को पूरे चैप्टर को जब कंप्लीट कर लेंगे, इस पहले चैप्टर को, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और नॉर्मल जितने भी कंपटीशन लेवल के जो बनते हैं ना, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी पहले थ्योरी फोकस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में मिक्सअप में आते हैं। ठीक है ना, मिक्स होकर आते हैं। चलो मैं अब एग्जाम्पल नंबर सेकेंड यहाँ पर ले लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, आपको बोला गया कि 180 ग्राम जल है, 180 ग्राम जल में उपस्थित 180 ग्राम जल में उपस्थित प्रोटोनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। प्रोटोन नहीं, मैं धनावेश या ऋणावेश की बात करता हूँ, ये तो सिंपल हो जाएगा। प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन तो थोड़ा सा हम ले लेते हैं, यहाँ पे टफ टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको तो आप बना लोगे। चलो 180 ग्राम जल में उपस्थित धनावेश या ऋणावेश की गणना कीजिए, सर हम कैसे करें, हमें क्या पता कि 180 ग्राम जल में कितने जल के अणु है। सबसे बड़ी चीज तो यही है, अगर आपने 180 ग्राम जल में जल के अणु ज्ञात कर लिए तो बच्चों ये न्यूमेरिकल भी हो गया। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो जल होता है उसको हम लिखते हैं क्या, H2O, और H2O का जो मोलर द्रव्यमान है, बच्चों ध्यान रखना, मोलर का मतलब इसमें कितने ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन और कितने हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन, उसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं। देखो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन है ना अवशारणी में एक नंबर पे आता है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान तो दो हो गया। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन में है ना, अगर हम देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की बात करें, हाइड्रोजन में तो कोई न्यूट्रॉन नहीं होते आपके, केवल प्रोटॉन था, एक प्रोटॉन। ऑक्सीजन की बात करें तो 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, द्रव्यमान संख्या आपने देखा होगा ऑक्सीजन 16 होती है, ऐसे लिखते हैं ऑक्सीजन को सर 8O16, ये रही इसकी द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या को हम जनरली मोलर द्रव्यमान के रूप में यहाँ पे काम में लेते हैं। तो सर हमारे पास में यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना आ गया, सर वो आ गया प्लस का 16। तो बताओ देखिए टोटल कितना हो गया, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा मोटा हो गया मेरे को ऐसे लग रहा है। ठीक है ना, प्लस का 16 तो बराबर कितना हो गया 18, 2+16 बराबर कितना हो गया 18 हो गया। ये अपने पास में मोलर द्रव्यमान आ गया बच्चों। अब जब अपने पास में मोलर द्रव्यमान आ गया तो अब बताओ क्या करें, देखें सर ये तो 18 ग्राम हमारे पास में मोलर द्रव्यमान आ गया, और जहाँ पे मोलर द्रव्यमान आता है बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जितना मोलर द्रव्यमान आप कहीं भी कोई वस्तु का लेते हो तो उसमें उपस्थित जो कणों की संख्या है ना वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। अब ये सर अवोगाद्रो संख्या क्या है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मैं 18 ग्राम जल लेता हूँ, मैं जल के अणुओं की संख्या, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट है, जो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है उसको मैं यहाँ क्लियर करवा रहा हूँ। 18 ग्राम जल में इसको एक बार साफ कर लेते हैं, ठीक है क्लियर कर लेते हैं, बीच में गैप रह गया। 18 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या देखो, जल के अणुओं की संख्या एन ए के बराबर होती है अवोगाद्रो नंबर, और वो अवोगाद्रो नंबर आपका फिक्स है 6.02 × 10³। इतने कण होते हैं हमेशा एक मोल में, जल का 18 ग्राम जो जल है ना वो एक मोल होता है बच्चों, ध्यान रखना 18 ग्राम जो जल है ना वो एक मोल के बराबर होता है, और वो मोल आपको पता करना है तो उस कण का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लो आप। तो सर जल का जो मोलर द्रव्यमान है वो 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम जल को हम एक मोल बोलते हैं, और एक मोल में अणुओं परमाणुओं आयनों कणों की संख्या फिक्स हो याद ही कर लो। तो जब 18 ग्राम जल में इतने जल के अणु हैं तो बच्चों बताओ देखिए 1 ग्राम जल में कितने हुए,
एक ग्राम जल में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या सर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 बटे कितना हो गया 18। तो 180 ग्राम जल में कितना हुआ बच्चा बता दीजिए, 180 ग्राम जल में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या सर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 18 और सर यहाँ पे 180 से गुणा कर लो। जैसे आप काटोगे तो सर यहाँ पे 10 आ गया और मान आ गया 6.02 इंटू 10 की पावर 23, पहले से एक पावर और आ गई 10 की पावर 24 H2O के अणु आ गए हमारे पास में। क्लियर है यहाँ तक सर? बिल्कुल क्लियर है, इतने जल के अणु आपके पास में आ गए। अरे एक जल के अणु में कितने आयन होते हैं बताओ। देखिए सर एक जल का अणु, अभी मैंने बताया एक जल का अणु H2 होता है सर, इसमें एक और एक दो प्रोटोन हो गए, ठीक है। सर ऑक्सीजन की बात करें तो 8 ही प्रोटोन होते हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर तत्व उदासीन होता है, लेकिन उसने तो कहा केवल धनावेश ऋणावेश का मान याद करना आपको, तो केवल मैं धनावेश को देख रहा हूँ सर। इसमें दो प्रोटोन दो इलेक्ट्रॉन, तो दो प्रोटोन यहाँ से ले लो और ऑक्सीजन के 8 प्रोटोन यहाँ से ले लो, तो एक जल के अणु में टोटल प्रोटोन कितने हो गए सर? 10 प्रोटोन हो गए। एक जल के अणु में टोटल कितने प्रोटोन होंगे? 10 ही प्रोटोन होंगे और 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। चेक कर लो कैसे सर, एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटोन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। एक हाइड्रोजन में एक ही प्रोटोन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो भाई दो हाइड्रोजन में कितने प्रोटोन हुए सर? 2 प्रोटोन। एक ऑक्सीजन में कितना प्रोटोन हुआ? 8 प्रोटोन। टोटल प्रोटोन कितने होंगे? 10 प्रोटोन सर। एक प्रोटोन पे आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन धनावेश होता है। तो सर इसका मतलब 10 प्रोटोन का आवेश कितना हो गया? 10e। तो बच्चों इतने जल के अणु है, जब एक जल के अणु में 10 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश है, तो उतने जल के अणुओं में कितना आवेश आएगा? सीधा सर गुणा ही तो करेंगे और क्या करेंगे। अरे एक किलो चीनी का भाव 40 रुपये है, तो बताओ देखिए 10 किलो चीनी का भाव कितना आएगा सर? 400 रुपये होएगा। अरे तो वही तो बच्चों यहाँ सिखाया है, और क्या सिखाया है हमने कि सर एक जल के अणु में टोटल 10 प्रोटोन होते हैं, तो 10 प्रोटोन का आवेश कितना हो गया ये? तो सर उसमें कितने प्रोटोन गुणा कर लो ना, और इसी द्रव्य से भी गुणा करना है। तो सर हमें कुछ नहीं करना, इसका मतलब टोटल धनावेश की मात्रा कितनी आ गई? 6.02 इंटू 10 की पावर 24 था वहाँ पे, और 10 ई का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बस इसको आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, इसको बस हमें मल्टीप्लाई करना है, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सर Q बराबर आ गया 6.02 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर, देखो बच्चों 24 और 1 25, यहाँ कितना है -19। -19 से 25 तक जाओगे तो 10 की पावर 6 आ गया, ठीक है। अब बस इसको गुणा करना है, ये अपना फाइनल आंसर आएगा, यहाँ पीछे लिख देंगे हम कूलम्ब, ठीक है ना। मल्टीप्लाई तो कर सकते हो आराम से सर, 6.02 को 1.6 से गुणा करना है बस, और 10 की पावर 6 पीछे लगानी है। तो ये थे आवेश के क्वांटिकरण पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो गुणधर्म है वो क्या है? देखो हमारा जो नेक्स्ट गुणधर्म है वो है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है बच्चों? इसमें तो सिंपल है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका मतलब आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। पहले भी एक वस्तु पर 2 कूलम था, अभी भी उस पर 2 कूलम ही रहेगा,
टोटल एक निकाय की बात कर रहा हूं, तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही आवेश रक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट जो अपनी प्रॉपर्टी है आवेशों की निश्चरता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? आवेशों की निश्चरता, वो भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। फिजिक्स को बेसिक से समझकर सीखने के लिए और क्लास 11 12th IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।